नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 134वां एपिसोड। आज है 5 दिसंबर 2020 और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2021 को लेकर और इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से कुल 10 बड़ी खबरें निकल रही है। दोस्तों, नौवीं टीम को लेकर बहुत बड़ी खबर है, सारी खबरें बताएंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहां कहीं नीचे से लाइक बटन को अभी कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है माइकल वॉन के हवाले से। आईपीएल की नीलामी पर माइकल वॉन ने अपनी प्रेडिक्शन की है। इस साल आईपीएल में मेगा ऑक्शन संभवतः होने वाला है और इसको लेकर माइकल वॉन का कहना है कि ग्लेन मैक्सवेल अगर नीलामी का हिस्सा होते हैं तो इस साल की नीलामी में करोड़पति बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे। उनके हिसाब से ग्लेन मैक्सवेल का करंट फॉर्म टीमों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है वॉन साहब, क्योंकि पहले भी ग्लेन मैक्सवेल 10.75 करोड़ रुपए में पंजाब की टीम में पहले से ही बिके हुए हैं। और भाई, मैं वॉन की इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि टीमों को भी पता लग गया है कि ये दुनिया भर में चलते हैं, आईपीएल में ये लगातार फिसड्डी हो रहा है और मैं इनसे सहमत नहीं हूं। आप इन पर अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की, आ रही है भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से। आप लोगों को बधाई है सबसे पहले तो दोस्तों कि भारत की जीत हुई है, और एक और बधाई है, हमारी प्रिडिक्शन सही हो गई है। हमारी नहीं दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट है तो हम सबकी वो प्रिडिक्शन सही हुई है। दोस्तों, सब लोग कुछ और बोल रहे थे, हमने सही सटीक आंकड़ों के आधार पर प्रिडिक्शन की थी। टेलीग्राम पर हमने टीम भी दी थी और वो टीम भी बहुत सफल रही है दादा के खिलाफ। और इसीलिए दोस्तों फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि दूसरे T20 के लिए दादा के खिलाफ जरूर टीम बना लीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक के बड़ा पर जाइए, माई 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर अपना पहला पैसा डालेंगे तो इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए आपको मिल जाएंगे, 20% का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और अगर आप सौरव गांगुली दादा को हरा देते हैं तो आपको अपने जीते हुए अमाउंट का 3 गुना पैसा मिलता है। दोस्तों, राशिद खान, शेन वॉटसन, दादा खुद यहाँ पर टीम बनाते हैं। पैसे डालना, निकालना और प्लेइंग 11 बनाना बहुत आसान है, बहुत सारे लोग जीत भी चुके हैं। और आप लोगों के लिए स्पेशली दोस्तों टेलीग्राम पर हम टीम भी देने वाले हैं दूसरे T20 से पहले। टेलीग्राम पर चले जाइएगा, माई 11 सर्कल ऐप पर हमारी टीम, हम जो दादा के खिलाफ उतार रहे हैं वो आप तक प्रोवाइड करेंगे। आप भी दोस्तों उससे जीत सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पिछली टीम थी ना दादा के खिलाफ, वो जीत गई थी। तो टेलीग्राम पर जाइए, द रियल MCP सर्च कीजिए, हम आपको 33,000 फॉलोअर्स के साथ वहां पर मिल जाएंगे। और देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स खोलिए, माय 11 सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो ये आ रही है दोस्तों BCCI के AGM के हवाले से। ये खबर आप तक लग गई होगी कि 24 दिसंबर को BCCI की एनुअल जनरल मीटिंग AGM होने वाली है। AGM को लेकर दोस्तों एक स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं, वो वीडियो आज शाम तक पब्लिश हो जाएगी। और इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, जो एनुअल जनरल मीटिंग आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की ये जो बैठक होगी ना, इसके लिए सब कुछ मिलेगा, सारी डिटेल कैसे क्या सब कुछ आपको पता लग जाएगा शाम वाली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, वरना एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस करेंगे। बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की, ये आ रही है दोस्तों आईपीएल में अब 10वीं टीम को लेकर। पहले हमने ही कह दिया था भाई, और हम इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि 10 टीमें मुश्किल है, लेकिन अब क्रिक बस के हवाले से यही खबर है कि आईपीएल की जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी 10 टीमों पर बात होगी। मेरे हिसाब से मैं अभी भी बोलता हूं कि जो परिस्थिति इस समय पूरी दुनिया में बनी हुई है, 9वीं 10वीं टीम शामिल करना BCCI के लिए बहुत टेढ़ी खीर रहने वाली है। लेकिन फिर वही बात है भाई, दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप सहमत है हमारी इस बात से तो वीडियो को लाइक कीजिए। बात करते हैं दोस्तों दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की, आ रही है आईपीएल की नौवीं टीम को लेकर। अहमदाबाद लॉयंस आईपीएल की नौवीं टीम रहने वाली है। ये कंफर्मेशन कई सोर्सेस के हवाले से आ रहा है कि अहमदाबाद की टीम पर एक मोहर, फाइनल मोहर लग गई है। नौवीं टीम अहमदाबाद से ही रहने वाली है। दोस्तों, इसके 2-3 कारण जो है वो निकल कर आ रहे हैं। पहला बड़ा कारण है मोटेरा, जो नया स्टेडियम बना है उसे अपना एक होम ग्राउंड चाहिए ताकि वो उसे कैश आउट कर सके। दूसरा बड़ा कारण है कि पूरे आईपीएल में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मोस्टली जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, गुजरात से आते हैं। हमारे PM, हमारे गृह मंत्री सब गुजरात से आते हैं, गुजरात की टीम नहीं है। तीसरा बड़ा कारण है कि गुजरात में मोस्टली उद्योगपति भी वहीं से आते हैं जो अपनी टीम खरीदना चाहते हैं, और पहले भी गुजरात की एक टीम रह चुकी है गुजरात लॉयंस के नाम से, लेकिन वो टीम राजकोट की थी। अब अहमदाबाद की ये जो टीम है, अहमदाबाद
लॉयर्स के नाम से रह सकती है। तो ये आप 80-90% अब यहां से जो परिस्थिति बन रही है 24 दिसंबर वो खैर फाइनल होगा, लेकिन मान सकते हैं कि अहमदाबाद लॉयंस इस साल हमें खेलती हुई नजर आ सकती है। और भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अगर आप भी एक्साइटेड है कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। बात करते हैं दोस्तों दिन भर की छठी बड़ी खबर की, ये आ रही है दोस्तों आईपीएल 2021 के फॉर्मेट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर क्रैक हुई है। आईपीएल में अब ग्रुप फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा मसला यह है कि अगर 10 टीमों की एंट्री बीसीसीआई करा लेता है तो फिर राउंड रॉबिन डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में आईपीएल नहीं होगा, ग्रुप फॉर्मेट में फिर आईपीएल कराना होगा। लेट्स सी दोस्तों इस पर आगे और क्या अपडेट आती है, लेकिन अभी की परिस्थिति में 10 टीमें हो जाएंगी तो राउंड डबल राउंड रॉबिन में बहुत सारे मैचेस होंगे जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, फिर ग्रुप मैचेस के आधार पर आईपीएल में रिजल्ट तय होंगे, जो कि मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ग्रुप अच्छा नहीं लगता। आप अपनी राय ग्रुप फॉर्मेट में दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की, आ रही है डेविड वार्नर के हवाले से। डेविड वार्नर ने एसआरएच की टीम में अपना फेवरेट खिलाड़ी चुना है। बहुत सारे लोग और हमने भी बोला था कि टी नटराजन उनके फेवरेट है, उन्होंने खुद बोला था, लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरान उनकी सारी चीजें बदल गई। उन्होंने खुद कह दिया कि नटराजन नहीं, उनके हिसाब से भारतीय टीम का भविष्य प्रियम गर्ग है। उनके हिसाब से नटराजन भविष्य थे लेकिन अब तो टीम इंडिया में आ गए हैं, नेक्स्ट प्रियम गर्ग होंगे जो कि टीम इंडिया में आएंगे, ये वार्नर की राय है। अब ये कितने वो सही होते हैं क्योंकि आईपीएल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, प्रियम गर्ग बहुत जल्दी हमें फिर से खेलते हुए दिखेंगे और फिर हम देख ही लेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं। बात करते हैं दोस्तों दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की, आ रही है ओलंपिक्स से जुड़ी हुई। क्रिकेट में अब ओलंपिक्स भी आ सकता है। 24 दिसंबर को जो बीसीसीआई की बैठक होगी उसमें आईसीसी रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे और उसमें क्रिकेट को क्या ओलंपिक्स में शामिल करना है उस पर बीसीसीआई की राय भी ली जाएगी। दोस्तों इस समय आईसीसी सारे क्रिकेट बोर्ड्स की राय शुमारी में बैठा हुआ है कि क्या ओलंपिक्स में शामिल किया जाए, और अगर ऐसा हो जाता है ना नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी। मैं तो चाहता हूं, आप भी चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। बात करते हैं नौवीं बड़ी खबर की, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड सीरीज के हवाले से आ रही है। ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो पहला ओडीआई मैच है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि साउथ अफ्रीका के रिपोर्टेडली कुछ प्लेयर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं क्योंकि नाम नहीं बताया जाता अफ्रीका में, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी रिपोर्ट अभी निकल कर आ रही है। लेट्स सी दोस्तों, फिंगर क्रॉस सब कुछ अच्छा हुआ। बात करते हैं दिन भर की दसवीं बड़ी खबर की, आ रही है लंका प्रीमियर लीग के हवाले से। अफरीदी अचानक से पर्सनल इमरजेंसी के कारण लंका प्रीमियर लीग से बाहर हो चुके हैं, वो लंका प्रीमियर लीग को छोड़कर वापस पाकिस्तान उड़ गए। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनके जो पर्सनल इमरजेंसी वो जैसे ही खत्म होगी वो वापस लंका प्रीमियर लीग खेलने आएंगे। इससे पहले बता दूं कि वो तूतू मेमे का हिस्सा हुए थे, नवीन उल हक जो कि अफगानिस्तान के पेसर है उनके साथ मोहम्मद आमिर की तूतू मेमे हुई थी, फिर अफरीदी भी उस पर कूद गए थे, बाद में नवीन उल हक ने कुछ बयान भी दिया था, वो सारी कंट्रोवर्सी भी इसी बीच हुई थी। तो दोस्तों ये तो थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में आप बताएं आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट। माय 11 सर्कल ऐप पर अपना अकाउंट जरूर बनाइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।